Take your time, not in the fast lane. I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. So hey guys, what's up? If you're new, my name is Arko. Welcome back to another video, guys. So first of all, thank you so much कि आपने पिछले वाले वीडियो पे इतना अच्छा लव एंड सपोर्ट दिया मुझे. तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो गाइज, आज का वीडियो मेरा फेवरेट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली हेयर स्टाइल के ऊपर होने वाला है. सो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हेयर के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ. सो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने हेयर को कैसे ऑन पॉइंट रख सकते हो थ्रू आउट योर डे, एंड आपके हेयर बॉम्ब दिखने वाला है. सो गाइज, ज़्यादा वर्क वर्क करने से पहले वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. सो गाइज, मैं अभी नहा के आया हूँ, एंड एज यू कैन सी मेरा हेयर पूरा वेट है. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं कैसे अपने हेयर को फर्स्ट ड्राई करता हूँ, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू गाइज नीड टू डू. तो आपके हेयर को ड्राई करने के लिए आई यूज हेयर ड्रायर. अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको नेचुरली भी ड्राई कर सकते हो विथ योर टॉवल. सो मैं अभी आपको फर्स्ट ड्राई करके दिखाता हूँ. सो गाइज, ब्लो ड्राई हो चुका है. एज यू गाइज कैन सी, मेरा हेयर अभी उल्टे डायरेक्शन पर. इस साइड पे मैं अपने हेयर को नहीं रखता हूँ, बट मैंने इस साइड पे किया इसलिए क्योंकि मुझे अपोजिट साइड पे फिर से करना है. सो द कॉम्ब्स विच आई यूज फॉर मेकिंग माई हेयर लुक परफेक्ट इज दिस वन, एंड एक और जो है कहा गया हो गया. सो ये दोनों कॉम्ब्स हैं जो कि मैं यूज करता हूँ अपने हेयर को मतलब कॉम्ब करने के लिए. तो मेरा भी साइड का हेयर बाहर नहीं आया. तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए आई यूज दिस वन. सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको ऐसे लेना है, फिर ऐसे ऊपर करके छोड़ देना. आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपका हेयर प्रॉपर वॉल्यूम में आ रहा है कि नहीं. आपको जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हो. सो मेरा हेयर डन हो चुका है, एज यू गाइस कैन सी. अभी आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा होगा, बट ये वॉल्यूम रहना नहीं वाला है क्योंकि मैं अगर कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगा तो ये इतना अच्छा होल्ड नहीं देगा मुझे. सो आई यूज़ दिस टू प्रोडक्ट्स गाइस फॉर दैट. तो मैंने बोल चुका है वीडियो में, तो ये दोनों प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ अपने हेयर को प्रॉपर होल्ड देने के लिए. सो दिस इज द प्री स्टाइलर, दिस इज द पोस्ट स्टाइलर, दिस इज अर्बन गब्रू फ्रॉस्ट स्प्रे, एंड दिस इज द अर्बन गब्रू 0 to Infinity हेयर वैक्स. सो ये दोनों प्रोडक्ट सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है गाइस. सो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो एनी डे विदाउट हैविंग एनी डाउट इन योर माइंड दैट ये केमिकल है, अपने हेयर को हार्म कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं करेगा. इसके अंदर एलोवेरा है और आर्गन ऑयल भी है, तो ये चीज़ आपके हेयर को बहुत अच्छा स्टिमुलेट भी करता है, हेयर का ग्रोथ भी अच्छा कर देता है. सो ये दोनों प्रोडक्ट आप मस्ट ट्राई करो यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मैं खुद करता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके अच्छे हेयर्स दिखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज अ प्री स्टाइलर गाइस. सो इसे कैसे यूज करना है, One week later. तो पहले क्या करना है, आपके जो एक्सेस हेयर्स होता है उसको पहले आपको साइड करना है, क्योंकि वही मेनली आपका हेयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. 72 hours later. ऑलराइट, सो मैं सेट कर चुका अपना हेयर्स. एज यू गाइस कैन सी कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट कुछ ऐसा दिख रहा है. मेरे साइड के हेयर्स बहुत छोटे हैं इसलिए ऊपर के हेयर्स लॉन्ग काफ़ी सही लग रहा है. तो अब इसको ऐसा करने के बाद आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ऐसा तो तूने कर लिया, अब क्या ऐसा थ्रू आउट द डे रहने वाला है. मतलब सोच लो कि अगर आपके शाम में कोई फ्रेंड के साथ मीटिंग है या गर्लफ्रेंड के साथ डेट है, और अगर आपको कहीं जाना है, तो क्या आपको ये सेम लुक मिलेगा तब भी. इसका आंसर है येस टू सम एक्सटेंट, नो टू मैक्सिमम एक्सटेंट. नो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका एक प्री स्टाइलर, मतलब ये आपको फाइनल होल्ड नहीं देने वाला गाइस. सो ये आपको एक अच्छा होल्ड देगा तो ज़रूर, अगर आपका हेयर थिक है. मेरा हेयर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन है थोड़ा, तो मुझे उतना अच्छा होल्ड नहीं मिलता है विथ दिस हेयर वैक्स. तो इसको मैं इसलिए प्री स्टाइलर की तरह यूज़ करता हूँ. तो अगर आपका हेयर थिक है तो आपको बहुत अच्छा होल्ड मिलेगा. मेरा हेयर उतना थिक नहीं है इसलिए एज यू कैन सी मुझे एक और चीज़ यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ द फ्रॉस्ट स्प्रे. तो फ्रॉस्ट स्प्रे क्या आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के एंड पे, तो पहले आपको यूज़ करके दिखा. सो हेयर को ऐसे वैक्सीन के बाद फिर से एक बार ब्लो ड्राई करना है गाइस. ऑलराइट,
एक और हैक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ब्लो ड्राई करते हो ना, अपने सर को ऐसे नीचे करके करो कि बिकॉज ऑयल इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन, इसकी वजह से आपका हेयर्स नीचे जाएगा, फिर ब्लो ड्राई करके तो और ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। एज यू गाइस कैन सी बहुत अच्छा वॉल्यूम मिल चुका है हमें, तो इतना अच्छा वॉल्यूम मिल चुका है, क्या बताऊँ, ठीक ठाक वॉल्यूम मिल चुका है। अब इसको करना एकदम सेट, मतलब आप बाइक में जाओगे या कार से जाओगे, किसी से भी जाओगे, आपका हेयर जैसा अभी है वैसा दिखेगा, थ्रू आउट द डे आपका सेम ही रहने वाला है। तो इसके लिए आप कुछ यूज़ करना है ये फ्रॉस्ट पे, तो हेयर स्प्रे यूज़ करने का एक तरीका है गाइस, आपको प्रॉपरली नोट कर लेना है कि आपको कोई और तरीका में अपने हेयर स्प्रे को यूज़ नहीं करना है। तो हेयर स्प्रे आपके आँखों में अगर जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन योर आईज लाइक दिस। तो गाइस आपने लगा लिया, इसका भी फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है, तो लगाने के बाद 5 मिनट्स लेटर हेयर को ब्लो बैक करना है, एंड दैट्स इट गाइस। सो दिस वाज द हेयर स्टाइल गाइस, सो वही। तो गाइस मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द अर्बन ग्रुप 02 इंफिनिटी जो हेयर वैक्स में यूज किया था, सो इसका प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, एंड ये जो फ्रॉस्ट स्प्रे मैंने दिखाया था आपको, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट आप किसी भी हेयर टाइप में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो मुझे। सो दैट वाज इट गाइस फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक ऊपर चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड आई विल बैक विद अनदर वीडियो। सो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।